और ये पूरा जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ये ट्रिनिटी स्क्वायर कहलाता है। ये देख रहे हैं इसके टॉप के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है दो बिल्डिंग्स के बीच में जो आपको दिख रहा होगा। उसमें यही है कि आप जब उसके मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी कोशिश की थी लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो कामयाब हुई है। लेकिन गाइस ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइस अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने लंदन का प्लान करा है। ओके जवाद, कहाँ जा रहे हैं आज हम? लंदन जा रहे हैं आज हम। सो अभी हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से हम ट्रेन लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि सेंट्रल लंदन कितना डिफरेंट है। और चले गाइस अब मैं आपको ट्रेन स्टेशन पे मिलूंगी और वहाँ पर जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग टिकट्स बाय करते हैं और बाय ट्रेन। मोस्टली वहाँ पर लोग बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं या बाय ट्यूब लंदन के अंदर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बाहर लंदन के अंदर बाय कार जाना थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहाँ पर थोड़े अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो चार्जेस हैं और कुछ स्पेशल मॉडल की गाड़ी हैं जो वहाँ पर अंदर लंदन में अलाउ नहीं है। तो दैट्स वाई जो है हम प्रिफेयर करते हैं कि हम वहाँ पर बाय ट्रेन ट्रैवल करें या बाय बस ट्रैवल करें। तो गाइस ये देखिए ये स्टेशन है, तो अभी हम अंदर जाएंगे। अब यहाँ से हम टिकट बाय करेंगे। देखिए गाइस देखिए गाइस यहाँ से टिकट बाय की हमने, ये है लेकिन और ये हम लोग इस तरह अंदर आते हैं। और ये देखें गाइस यहाँ पर ट्रेन आएगी, हम इसी वाली में जाएंगे। तो हम यहाँ से फ्रेंचल स्ट्रीट पर उतरेंगे। आपने सबको हेलो नहीं करा आज? पूछो कैसे हैं सारे? आप कैसे हैं सारे गाइस? यस। तो हम आज कहाँ जा रहे हैं जाजी? हम लंदन जा रहे हैं आइस स्केटिंग से। हाँ। अभी हम किसके अंदर बैठे हैं? ट्रेन में। Thank you.
देखिए गाइस, हम फ्रेंचेस स्ट्रीट पर पहुंच गए हैं और अब हम लंदन टावर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस, हम वॉक करके जा रहे हैं, यहाँ से 9 मिनट की वॉक है और शायद हम लोग बस पे बैठते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं है, बट अगर बस पे नहीं बैठे तो वॉक करके जाएंगे, यहाँ से 9 मिनट की वॉक है। देखिए गाइस, मतलब लंदन की एक अपनी वाइब्स आती है और काफ़ी ज़्यादा क्राउडी होता है मोस्टली इन समर में, पर लंदन की गाय एक अपनी अलग सेंट्रल, लंदन तो नहीं कहूँगी लेकिन सेंट्रल की एक अपनी वाइब्स है। वो देखिए, ये शार्ड है, ये लंदन की सबसे टॉप, सबसे हाइटेड बिल्डिंग है और हमने ट्राई किया था कि हमें मिल जाए यहाँ के लिए टिकट, लेकिन शायद अवेलेबल नहीं थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब विज़िट करूँगी तो मैं आपको यहाँ से ऊपर से विज़िट कराऊँगी इस बिल्डिंग का। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, यानी इसका जो व्यू आता है वो बहुत खूबसूरत है। जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ये ट्रिनिटी स्क्वायर कहलाता है। और इतनी ग्रीनरी है लंदन में, इतनी ग्रीनरी है, जबकि ये सेंट्रल है, यहाँ पे सारे ऑफिसेस और सब, तो मेनली यहाँ पे रेजिडेंसी कम है और ऑफिसेस और बैंक्स सबके हेड ऑफिसेस है यहाँ पर, तो रेजिडेंसी आपको यहाँ पर ऐसे एज इट इज़ नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ पर रिहाइश कम है, लेकिन आपको मेनली ऑफिस वर्क या मेन हेड ऑफिस या बहुत लाखों में एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ग्रीनरी देखें, इतनी उन्होंने फिर भी ग्रीनरी रखी हुई है, इतनी उन्होंने ग्रीनरी के ऊपर फोकस किया हुआ है, एक सेंट्रल में, एक सेंट्रल का एरिया होके, जबकि यहाँ पर सारी ट्यूब्स चलती हैं मेनली, यहाँ पर इतनी ट्रैफिक है, सब कुछ है, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने सफाई और ग्रीनरी पे कितना फोकस किया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एरिया को सेंट्रल कर रहे हैं या एरिया में आप मेनली सब चीज़ें बना रहे हैं या ऑफिस को रख रहे हैं मेनली, लेकिन स्टिल वो उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट का, अपनी चीज़ों का कितना ख्याल रखा हुआ। अभी हम सिर्फ वॉक, अचानक से प्लान बना, इसके लिए मोस्टली एडवांस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं यहाँ पर, अट्रैक्शन ऐसी हैं जो आपको एडवांस में बुक करानी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है लंदन की अट्रैक्शन। तो हमने आज ट्राई किया था कि हम बुक करवा लें, लेकिन हमसे बुक हो नहीं सकी थी क्योंकि टिकट्स अवेलेबल नहीं थी रिसेंटली। तो मोस्टली ये होता है कि आपको एडवांस में 1 वीक पहले या 2 वीक पहले करवानी पड़ती है, बहुत मुश्किल से आपको जो है वो 1 दिन पहले बुक करवाने में मिल जाती है। तो इसलिए आज हम सिर्फ लंदन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस आपको दिखाएंगे, पर विजिट हर प्लेस का, हर अट्रैक्शन का हम एक अलग से वीडियोज़ बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें हम आपको पहले कैसल का पूरा अंदर का विजिट करवाएंगे,
तो इट्स जस्ट लाइक अ ये हम वॉक कर रहे हैं लंदन में, तो ये वीडियोस अबाउट सिर्फ वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स है. ये ऊपर जाने की इसकी टिकट है, ये जो आप देख रहे हैं अभी जो सेंटर में आएगा. ये पूरा ये रिवर फेमस है यहाँ का, सबसे फेमस रिवर और मेनली यही रिवर पूरे लंदन के अंदर जो है वो सब पूरा लंदन के अंदर बना हुआ है. जगह डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर है ये. सब जब यहाँ पर शिप्स आती हैं, जो बड़ी शिप्स होती हैं, ये देख रहे हैं आप, जैसे ये तो खैर खड़ी नहीं है, लेकिन मोस्टली कार्गो की जो शिप्स हैं, जो बड़ी शिप्स होती हैं, वो रात के टाइम यहाँ से गुजरती हैं. क्योंकि इसलिए कि ये रिवर जो है ना, वो पूरा ये अंदर यूके के लंदन के अंदर ही पूरा रिवर ट्रैवल करता है और नेक्स्ट सी पे जाके मिलता है. तो वहाँ सी से ट्रैवल करके यहाँ से कार्गो की अक्सर शिप्स जो हैं वो ट्रैवल करके अंदर आती हैं. तो उसके लिए ये ब्रिज ओपन होता है सेंटर से. मैं ऐसी कोई वीडियो होगी तो मैं लिंक जो आप उसे लगा दूंगी, पर सेंटर से ये ब्रिज खुलता है और पूरा खुल के ये ब्रिज ओपन हो जाता है. तो यहाँ के बीच में से आप जो देख रहे हैं ये पूरा सेंटर है, इसमें से ट्रैवल करके शिप्स यहाँ से उस साइड पे जाती हैं. तो ये ब्रिज बिल्कुल सेंटर से जो है ये ओपन हो जाता है. देखिए गाइस, ये जो ऊपर टॉप पे जाते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं इसके टॉप पे आप जाते हैं, फ्लोर पे जाते हैं आप. ये नीचे से है इसकी टिकट है और ये आप ऊपर से व्यू देते हैं यूके का, लंदन का. शिप्स इस तरह नीचे क्रूज शिप्स हैं और लोग इस तरह से अंदर जो है वो पूरा शिप में बैठे हैं, व्यू लेते हैं लंदन का. ये देखिए गाइस, यहाँ से ये अंदर जाया जाता है. देखिए आप, इतनी इसमें बुकिंग हुई होती है, तो आप एक दिन पहले या दो दिन पहले मुश्किल हार्डली आपको टिकट्स मिलती हैं. तो नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह तो हम आपको ऊपर तक इसका विजिट करवाएंगे. ये देखिए गाइस, यहाँ से टिकट लेते हैं आप. ये सब टिकट के लिए जो है ना वो टिकट है. और ये देखिए कितने की टिकट है. एडल्ट की आपकी 11/40 की है, चाइल्ड की 5/70 की है, और अगर आप टू एडल्ट और टू किड के ले रहे हैं तो बेसिकली 30 pounds की है. तो नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह तो हम आपको ऊपर तक विजिट करवाएंगे. इसमें फैमिली टिकट डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एडल्ट के हिसाब से. और
और अगर आप रेजिडेंस हैं यहाँ के सिटी ऑफ लंदन यानी मेन सेंट्रल में, या आप साउथ वॉक में या टॉवर हैमलेट में, तो आपकी 1 pound की एंट्री है भाई। सो रीजंस टू विजिट, अब आपको देखिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस दी हुई है, नॉर्थ टॉवर, ईस्ट एंड मॉल, वेस्ट आपका वॉकवे, साउथ टॉवर, द बस, डब्ल्यू लाइन, द इंडियन रूम, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलेंगी। तो लास्ट फ्लोर आपका ये सारा ब्रिज खुलता है तो मेनली ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये ब्रिज इधर से खुलता है, ये हाफ जो ब्रिज है टॉप से इस साइड से ये ब्रिज पूरा खुल जाता है। ये देखिए ब्रिज खोलने के लिए कैमरे और ये सब एक रूम बनाया हुआ, तो बेसिकली ब्रिज यहाँ से खुलता है आपका ताकि ट्रैवल करके साइड जा सके। बड़ी बड़ी रात के टाइम मोस्टली, दिन के टाइम नहीं, क्योंकि मोस्टली विजिटर्स होते हैं तो रात में मोस्टली ये ब्रिज ओपन किया जाता है तो कार्गो की शिप्स के लिए। यहाँ से ब्रिज पूरा सेंटर से ओपन होता है, इसी तरह से ये ब्रिज पूरा सेंटर से ओपन होके शिफ्ट के लिए जगह बनाता है, और ये सेंटर है ब्रिज का और ये पूरा ओपन होता है। यहाँ से जो बड़े कार्गो के शिफ्ट है जो आपको क्रूज होते हैं वो भी अक्सर जब जो लंदन के क्रूज आते हैं तो वो भी यहाँ से गुजरते हैं, तो उन शिप्स की कार्गो शिप्स की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस ब्रिज को जहाँ से मैंने आपको दिखाया वहाँ से ओपन किया जाता है तो वो उधर से भी वो शिप्स गुजर जाते हैं, अदरवाइज इतनी हाइट नहीं है। पूरा जगह जगह इस तरह से बीच बनाए हुए हैं, लोग आते हैं और आते हैं पानी के ऊपर। वॉक करते हैं रिवर के साइड पे, तो एक अच्छा एक अच्छी वॉक साइड है वो वॉक करने के लिए।
देख रहे हैं इसके टॉप के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है दो बिल्डिंग्स के बीच में, जो आपको दिख रहा होगा। उसमें यही है कि आप जब इसके टॉप के ऊपर जाते हैं तो इस ब्रिज के ऊपर आप वॉक करते हैं, और ये ग्लास वॉक है, यानी ये पूरी ग्लास का है, और ये आपको एक अच्छा वहाँ टॉप से भी पूरा लंदन का व्यू देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ब्रिज, तो वो हम एंटर उस बिल्डिंग से होते हैं और निकलते हैं हम इस बिल्डिंग से, इस वाली बिल्डिंग से बाहर की साइड में, तो वो एक ऊपर तक जाके आपको एक अंदर का व्यू और पूरी इसकी हिस्ट्री और ये पूरा एक ब्रिज के ऊपर एक व्यू पूरा लंदन का, और फिर आप इस बिल्डिंग पर आकर नीचे यहाँ से। ये देखिए गाइस, ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है सामने, ये मेयर का ऑफिस है, जो लंदन का मेन, लंदन का सिटी का मेयर है, और आपको पता है वो पाकिस्तानी के साजिद खान, हाँ साजिद खान। ख़त्म हो गया टावर ब्रिज, नीचे की साइड पे जा रहे हैं, तो मेनली शायद हम कॉफ़ी पिए या कुछ खाएं, क्योंकि इसलिए कि हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ और एक बज गया है और अब हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं तो मोस्टली सुबह का नाश्ता नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मैं सिर्फ अपनी एक कप चाय लेती हूँ, और बच्चों ने भी नहीं करा हुआ, मेरे हस्बैंड ने भी आज नाश्ता नहीं करा, तो मेरे लिए क्या करना है, खाने के लिए जहाँ एक बज चुका है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो टावर ब्रिज यहाँ पर अभी खत्म हो गए, अब हम टावर ब्रिज से उतर गए, तो आप हमको खाने की जगह दी गई। तो वहाँ से भी हमें ये दिख रहा था, तो देखिए यहाँ से ये टावर ब्रिज का इस तरह से लुक आता है, और मोस्टली लोग यहाँ पर वॉक करते हैं रिवर साइड के ऊपर। देख रहे हैं इन्होंने पूरा यहाँ पर एक मैप सा बनाया हुआ है। ये जो हम वॉक कर रहे हैं, आई थिंक ये वाली स्ट्रीट, आई थिंक हम वॉक कर रहे हैं, ये है आपका द क्वीन वॉक। जब मैंने आपको बात नहीं, पूरा ट्रैक बना हुआ है, हम वॉक कर रहे हैं जिस एरिया में, ये कहलाती है क्वीन वॉक।
देखिए गाइस, वो जो शिप हमने वहाँ से देखी थी, ये देखिए यहाँ से ये शिप यहाँ से करीब कैसी नज़र आ रही है। और ये जो आप देख रहे हैं लंदन वॉरशिप एक्सपीरियंस, यहाँ से इसकी टिकट आप बाय करेंगे। ये जो टिकट है वो ये इसकी यहाँ से बाय होती है लंदन वॉरशिप एक्सपीरियंस से, और फिर यहाँ से आपका ये रास्ता बना हुआ है, ये पूरा ये इसके शिप के अंदर जाता है, देखिए। और फिर आगे शिप्स के अंदर का पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। यहाँ से आप बाय करते टिकट, ये अंदर का पूरा रास्ता है। मजा आ रहा है दोनों को? है जवान, मजा आ रहा है? ये वॉकी टॉकी बिल्डिंग, ये वॉकी टॉकी बिल्डिंग है, बुलेट बिल्डिंग। क्या बुलेट बिल्डिंग? चलो यहाँ से चलिए, कुछ शेयर करना है आपने हमारे साथ? क्या उर्दू में बोलना? मैं क्या बोलू? आपका जो दिल चाह रहा वो बोलो। सब्सक्राइब करो, कमेंट डाउन पे लो इफ ये लंदन बहुत लव है। अल्लाह, मेरे बेटे ने तो कह दिया आप लोगों को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को क्लिक करें और शेयर करें। स्मैश करो लाइक, लाइक के बटन को स्मैश कर दो। अच्छा भाई, स्मैश कर दें आप लोग। ये जो है हेज गैलरिया है, यहाँ पर ही ड्रिंक शॉप लंदन ब्रिज बिल्कुल सामने, उसके बहुत सारी शॉप भी है और आप आराम से बैठ के चाय वाय भी पी सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी कोशिश की थी लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो कामयाब हुई है। लेकिन गाइस ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें मतलब बैठने की जगह है और डिफरेंट प्लेसेस है ईटन की, और उसके अलावा शॉप्स हैं। और ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत है। साइड्स पे शॉप्स हैं। जंप करना है।